4 की एक्सरसाइज सी, जिसमें क्या है सब्ट्रैक्शन। क्या है सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं घटाव। क्या कहते हैं? घटाव। और सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। माय फर्स्ट एग्जांपल इज, फोर नाइन सेवन वन एट थ्री। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। फोर में से वन सब्ट्रैक्ट किया थ्री, थ्री में से टू को काटा वन, एट में से जीरो एट। अब देखो इधर हमारे पास क्या है वन, और इधर हमारे पास क्या है फाइव। ठीक है, तो वन से फाइव नहीं जाएंगे, हमने क्या किया इस सेवन से, यहाँ तो बची हमारे सिक्स, और ये हमारा कितना हो गया है इलेवन। इलेवन हो गया, इलेवन से फाइव काटे सिक्स, सिक्स में से थ्री काटे थ्री, नाइन में से वन काटे एट, फोर में से टू काटे टू, तो हमारा नंबर कितना बचा ये हमारे पास 28,36,000 830. My next example is 3, और ये हमारे पास है 7, तो देखो इधर हमारे पास 0 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 9, यहाँ हमारे कितने बचे 8, यहाँ हमारे कितने हो गए 10 हो गए, और 10 से हमने 1 इधर दे दिया, तो यहाँ कितने बचे 9, और ये कितने हो गए 13। थर्टीन से सेवन काटे सिक्स, नाइन से सिक्स काटे थ्री, एट से एट काटे जीरो, फोर से फोर जीरो, टू से वन काटे वन, थ्री से थ्री काटे जीरो। अब देखो फिर से टू से फोर नहीं जाएगा, फिर से हमने कैरी ले ली, कितने हो गई ये 12, और यहाँ हमारा क्या बच गया 8। ट्वेल्व से फोर कट करेंगे एट, और एट से एट काटे जीरो, कितना मिला हमें 80,10,036। My next example is
1,51,24,936. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सेम प्रोसीज है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास इधर क्या है 2 और इधर क्या है 6, ठीक है। तो 2 से 6 नहीं जाएंगे, हमने इधर से कैरी ले ली, यहाँ हमारे कितने बचे 2 और ये कितने हो गए 12। 12 से 6 काटे 6, 2 से 3 नहीं जाएंगे, हमने इधर से कैरी लेंगे तो ये कितने बचे 3, तो ये हो गए 12। 12 से 3 काटे 9, 3 से 9 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे ये बचेगा 1, 13, और 13 से 9 काटे 4, 1 से 4 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे इधर बचेंगे 5, 11, 11 से 4 काटे 7, 5 से 2 काटे 3, 1 से 1 0, 5 से 5 0 और 7 से 1 6। कितना मिल गया हमें 6,37,496। My next question is, find the difference. Find the difference. Difference का मतलब क्या होता है बेटा? Difference को बोलते हैं अंतर, और अंतर का मतलब यानी कि difference को भी हम क्या कहेंगे? Subtraction. My first example is, देखो हमें क्या दे रखा है 2,58,92,567 and 1,25,67,891। इसका हमें डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस का मतलब डिफरेंस को क्या कहते हैं? अंतर, यानी कि इनको भी क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो देखो हमारे पास डिजिट सेम है, बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है 2, ये क्या है 1, तो 2 वाला जो नंबर बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, 7 से 1 कट किए 6, इधर हमारे पास क्या है 6 और इधर क्या है 9, तो 6 से 9 नहीं जाएंगे, कैरी लेंगे, यहाँ बचेंगे हमारे 4 और ये कितने हो जाएंगे 16, 16 से 9 को कट किया 7, 4 से 8 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और ये हो गए 14, 14 से 8 को कट किया 6, 1 से 7 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे, ये बचेंगे 8, 11, 11 से 7 को कट किया 4, 8 से 6 को कट किया 2, 8 से 5, 3, 5 से 2, 3, 2 से 1, 1, कितना मिल गया हमें 1,33,00,000
24,000 676। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। आज के लिए इतना ही, सर स्पीकर ऑन कर दो बच्चों के। सर स्पीकर ऑन कर दो। सर स्पीकर ऑन कर दो। My next example is ये, ठीक है। तो देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, डिजिट इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 है, ये 3 है, तो 9 वाला जो नंबर बड़ा है उसको हम ऊपर लेंगे, 9 8 6 7 2 0 9 4 9 3 0 4 5 6 1 7 2 9, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 9 में से 9 कट किए 0, 4 में से 2 कट किए 2, 9 में से 7 कट किए 2। अब देखो इधर हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 1 है, तो हमने क्या किया, इधर 2 से हमने 1 ले लिया, तो ये कितने हो गए 10। यहाँ क्या बचा 1, 10 में से 1 कट किए 9, 1 से 6 नहीं जाएंगे, इधर से कैरी लेंगे, ये हो गए 6 और ये हो गए 11, 11 से 6 कट किए 5, 6 में से 5 कट किए 1, 6 में से 4 कट किए 2, 8, 6, कितना मिल गया हमें 68 करोड़ 21 लाख 9,220। आज के लिए इतना ही काफी है। सर स्पीकर ऑन कर दो।